अपने हाथ की रेखाओं को चेंज कर सकते हैं। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि हर सेकंड जो है हमारी हाथ की जो रेखाएं हैं वो चेंज होती हैं, कभी नेगेटिव बनती हैं, कभी पॉजिटिव बनती है। तो इस वीडियो में हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे और कैसे कैसे आप अपने कर्मों के माध्यम से या फिर अपने जो भी कर्म है, जो भी अच्छे बुरे कर्म है, उनके माध्यम से अपने हाथ की रेखाओं को आप बदल सकेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही अलग होने वाली है और आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि हमारे हाथ में जो नेगेटिव निशान हैं वो मिट जाएँ और हमारे हाथ में अच्छे निशान हैं जिसका हमें अच्छा फल मिले। तो आज की वीडियो यही रहेगी। अगर आप चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप भी अपना हाथ पढ़वाना चाहते हैं, हमारे अपने बारे में जानना चाहते हैं हमसे, तो नीचे आपको नंबर फ्लैश हो रहा होगा, वहाँ से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं चित्र के माध्यम से कुछ पूरा समझाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो देखिए, पहले मैं क्वेश्चन पे आपको एक एग्जाम्पल के रूप में लेता हूँ। मान लीजिए कि आप किसी भी सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि मेरे हाथ में सरकारी जॉब हो और ये हो कि सरकारी जॉब के साथ मेरे, कह सकते हैं कि मेरा मान सम्मान भी बढ़े, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर, जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ कि अपना हाथ आप अच्छे से देखें, ये जो हमारी जो रिंग फिंगर है उसके नीचे हमारा सूर्य पर्वत होता है, ठीक है। उसके ऊपर आपको कोई रेखा नहीं दिख रही है, ठीक है, कोई रेखा नहीं दिख रही है, अभी भी स्टार्टिंग फेज में है, कोई आपको रेखा यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं और आपको ये देखने को मिलता है कि आपको शुभ परिणाम नहीं मिल रहे हैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने के बाद। लेकिन अब यहाँ पर गौर देखने वाली बात है, आपको दिखेगा कि जैसे आपने 3 साल 4 साल आपने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की और उसका आपने प्रयास करना चालू किया, तो आपको ये दिखेगा कि यहाँ पर ये जो हमारा सूर्य पर्वत है इसके ऊपर आपको एक रेखा उभरती हुई यहाँ पर ऐसे दिखेगी, ठीक है। ये हालांकि जो पामिस्ट्री है या फिर हम समुद्रिक शास्त्र पढ़ते हैं उसमें हम इसे गवर्नमेंट जॉब की रेखा, मान सम्मान की रेखा मानते हैं। पहले ये हाथ में नहीं थी, लेकिन आपके प्रयासों के कारण, आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, बहुत ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं, तो आपके हाथ में सूर्य रेखा उभरती हुई नजर आएगी। और साथ में जैसे जैसे आप मेहनत करते जाएंगे, ये सूर्य रेखा जो है जिस काल में, जैसे मान लीजिए कि ये 20 साल में आपको यहाँ पर इतनी नज़र आ रही थी, जैसे जैसे आपकी एज गुजरेगी, जैसे जैसे और मेहनत करेंगे और मेहनत करेंगे, ये सूर्य रेखा आपको बड़ी होती हुई नज़र आएगी, ठीक है। तो इसका ये मतलब हुआ कि हम हाथ में रेखाओं को जो है जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, अपने कर्मों के कारण, अपने हार्ड वर्क के कारण। लेकिन उसके ऊपर दूसरा सुनैरियो ये आता है कि मान लीजिए आपके हाथ में सूर्य रेखा थी, ठीक है, आपके हाथ में पहले से सूर्य रेखा है, लेकिन अब क्या कर रहे हैं कि आप ऐसी चीज़ों में पड़ गए हैं, आप बिल्कुल मेहनत नहीं कर रहे, बिल्कुल ध्यान नहीं दे अपने कैरियर की तरफ और गलत संगत में पड़ गए हैं, तो क्या होगा कि आपकी सूर्य रेखा धीरे धीरे आपको मिटती हुई नज़र आएगी। अगर मिटे नहीं तो उसके ऊपर कोई आपको तिल बनता हुआ नज़र आएगा, कोई आपको यव का निशान बनता हुआ नज़र आएगा। जैसे मान लो आपकी सूर्य रेखा है, ठीक है, इस पर कोई ऐसा यव का निशान बन जाएगा, ठीक है, नहीं तो सूर्य रेखा बीच से कट जाएगी, नहीं तो इस पर क्रॉस का निशान बन जाएगा। मतलब हमें ये समझ तो आ गया कि हाथ में हम सूर्य कोई भी लाइन जो है क्रिएट कर सकते हैं अपने कर्मों के कारण, अपने हार्ड वर्क के कारण। लेकिन अगर मान लीजिए आपके हाथ में पहले से रेखाएं हैं और आप उन चीज़ों की तरफ प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो आपको ऐसी रेखाएँ जो अच्छी रेखाएँ हैं वो मिटते हुए भी आपको नज़र आएगा। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए आपकी जीवन रेखा जो है बहुत छोटी है, ठीक है, बहुत छोटी आपको जीवन रेखा दिख रही है, आपको लग रहा है कि मैं कम से कम जो है 30 से लेकर जो है 45 साल तक यहाँ पर जीने वाला हूँ, ठीक है, और ये जीवन रेखा छोटी है। अब यहाँ पर आपने क्या करेंगे, आपको अगर मान लीजिए आप हाथ दिखाने किसी को जाएं, जो भी आप किसी के पास जाएं, तो आपको कहेगा कि दान पुण्य करना चाहिए, जो भी करना चाहिए वो आप करेंगे, ठीक है। लेकिन आपने अच्छी सोच रखनी है, अच्छे कार्य करने हैं, ठीक है, अपने आप में सच्चाई रखनी है, जो भी आप कार्य करेंगे, आप ये डिपेंड करेगा कि ये रेखा और कितनी ज़्यादा लंबी होगी, इस रेखा को हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन आप धीरे धीरे देखेंगे जैसे आपके जो जीने की चाहत होगी और आप कुछ ना कुछ करते रहेंगे अपने जीवन रेखा को बढ़ाने के लिए, जो भी आप कार्य करेंगे, दान करें, जो भी करें, ठीक है, तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि यहाँ के साथ साथ आपको एक मंगल रेखा उभरती हुई दिख रही है, जीवन रेखा के साथ एक मंगल रेखा उभरती हुई आपको नजर आएगी। मतलब क्या है कि भगवान की दृष्टि आपके ऊपर है, जीवन भले ही छोटा है लेकिन ये मंगल रेखा आपके जीवन को लंबा करेगी और एक आपको कह सकते हैं कि दीर्घायु देगी। तो ये भी
एक हमने काफ़ी हाथों में देखा है कि जिन हाथों में मंगल रेखाएं नहीं थी, जिस हाथ में जीवन रेखा छोटी थी, हमने ये देखा है, पाया है कि उस हाथ में मंगल रेखा उभर रही है। अब उनका जीवन जो है लंबा रहेगा, वो बीमारी तो उनके आएगी, इनकन्फर्म है, लेकिन बीमारी से वो लड़ पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारे हाथ में दिखती हैं और चेंज होती हैं। और एक और एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ मैं आपको। जैसे मान लीजिए हमारी विवाह रेखा है, ठीक है, आपका विवाह नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रयत्न आप कर रहे हैं लेकिन आपको विवाह होने में काफ़ी ज़्यादा देरी हो रही है, ठीक है, और विवाह रेखा पर कोई ऐसा पॉजिटिव निशान नहीं है, ये यहाँ पर हमारी विवाह रेखा मौजूद होती है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, मिल रहे हैं, जो रिंग पहन रहे हैं, बहुत जो भी करें आप, ठीक है, तो आपको यहाँ पर दिखेगा आपका जो गुरु पर्वत है, गुरु पर्वत पर आपको शुभ निशान बनते हुए नज़र आएंगे। जैसे आप प्रयास करेंगे तो ये नज़र आएगा कि आपकी जो विवाह रेखा है बाकी दिनों से या फिर पिछले सालों से आपको और ज़्यादा गहरी नज़र आएगी, और साथ में कोई यहाँ पर जो गुरु पर्वत है, जो हमारी फर्स्ट फिंगर है, उसके नीचे आपको कोई ऐसा ट्रायंगल बनता हुआ नज़र आएगा, या फिर आपको ऐसा ट्रायंगल बनता हुआ नज़र आएगा, या फिर आपको कोई ऐसा स्वास्तिक का निशान बनता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपको घबराना नहीं है, ठीक है, घबराना नहीं है, आप प्रयास करते रहें, आप रेखाओं को चेंज कर सकते हैं। लेकिन आप ये भी दे लें कि यहाँ पर अगर प्रयास नहीं कर रहे हैं तो रेखाओं पर नेगेटिव निशान भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, मान लीजिए आपका विवाह हुआ है, अच्छा खासा विवाह हुआ, विवाह रेखा अच्छी है, आप किसी गलत कार्य में फंस जाएं, ठीक है, किसी मान लीजिए किसी अलग रिलेशन क्रिएट कर लें, अलग दिशा में चले जाएं, तो क्या होगा कि विवाह रेखा पर कोई तिल का निशान आ जाएगा, कोई अब का निशान आ जाएगा, और विवाह रेखा आपकी सही थी लेकिन अब टूटने के कगार पे आ गई है, क्योंकि आपने वो कर्म अब ऐसे किए हैं। तो ये कन्फर्म है कि हर सेकंड जो है हमारे हाथ में रेखाएं क्रिएट होती हैं, बनती हैं, टूटती हैं, ठीक है, लेकिन अब अच्छी रेखाओं को आप जनरेट कर सकते हैं, अपने जीवन रेखा को, कैरियर रेखा को। आप जैसे मान लीजिए कि आपके हाथ में कोई आपको धन रेखा नहीं दिख रही है, देखिए जैसे आप जैसे जैसे आप उम्र गुजरेगी आपको धन रेखा नहीं दिख रही है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, हर जगह आप प्रयास कर रहे हैं, आपको धन रेखा हाथ में आपको देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन जैसे उम्र आपकी पहुँचेगी, जब आपका टाइम वो पूरा हो जाएगा, हार्ड वर्क करने का टाइम पूरा हो जाएगा, आप बिल्कुल सच्चे हैं, तो आपको यहाँ पर दिखेगा हल्की हल्की, या फिर वो मत्स्य रेखा से नज़र माइंड लाइन से दिखे, या फिर आपको हृदय रेखा से दिखे, कोई रेखा आपको धन रेखा ऐसी बनती हुई नज़र आएगी हाथ में। ठीक है, स्टार्टिंग में वो रेखा नहीं थी लेकिन उसके बाद आपको ये रेखाएं उभरती हुई नज़र आ रही हैं, मतलब आपका भाग्य चमकने वाला है, आपकी किस्मत से अपनी रेखाओं को आपने जनरेट किया है। एक और निशान आपको बताता हूँ, बहुत ही कॉमन निशान है ये, जैसे हमारी जीवन रेखा होती है, ये हमारी जीवन रेखा है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड पीरियड तक कोई आपको ऐसी रेखा नहीं दिख रही कि तरक्की हो आपकी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ऐसे काफ़ी ज़्यादा कस्टमर आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं, तो पूछते हैं कि हमारा भाग्य उदय कब होगा। ठीक है, कि हमारा भाग्य उदय कब होगा, भाग्य कब चमकेगा, हम इतना ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं, इतना ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने कई एग्जांपल देखी हैं कि उनके हाथ में कोई तरक्की की रेखा नहीं थी लेकिन बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने के बाद क्या हो रहा है कि कुछ रेखाएँ आपको ऐसी उठती हुई, ऐसी बनती हुई आपको नज़र आएंगी। ठीक है, पहले वो रेखाएँ नहीं थी लेकिन ऐसी रेखाएँ, कहीं पर आपको ट्रायंगल नज़र आएगा, कहीं पर आपको उठती हुई रेखा बनती हुई क्रिएट होती हुई नज़र आएगी। जैसे मान लीजिए 2022 तक ये रेखा नहीं थी, 23 में आपने एंट्री की है, तो जो आपका हार्ड वर्क था उसने इस रेखाओं को जनरेट किया है, मतलब ये है कि अपनी किस्मत को आपने खुद ही चेंज किया है। तो ये बिल्कुल तय है, ये कहते भी हैं कि हार्ड वर्क ही किस्मत को चेंज कर सकता है, लाइन को क्रिएट कर सकता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा, अगर हाथ में आपके नेगेटिव निशान है तो उनको आप अपने कर्मों से, अपने अच्छे कार्य से आप उसको चेंज कर सकते हैं और अच्छी रेखाएं क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ये भी है कि अगर आपके हाथ में अच्छी रेखाएं हैं, अगर आपके कर्म बुरे हैं, बहुत ही आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत ही लोगों से पिछड़ गए हैं, तो आप मान के चले कि आपके हाथ में अशुभ निशान उभरने वाले हैं और जो पॉजिटिव निशान थे वो ख़त्म होने वाले हैं। तो ये मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, ज़रूर आप इसको फॉलो करें। अगर आप अच्छा कैरियर, एक अच्छा इंसान बनना चाहते हैं, एक अच्छा जो है अपना कैरियर देखते हैं, तो ज़रूर चीज़ों को अच्छे से देखें और अच्छी तरह अपनाएं। ठीक है, तो ये मेरी वीडियो थी, ज़रूर आपको पसंद आया, इसे शेयर करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, प्रश्न में आप ज़रूर पूछ सकते हैं, कमेंट में आप ज़रूर क्वेश्चन पूछें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।